जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों मैं बताने वाला हूँ वीडियो में मुरली सर होसले के द्वारा एक बहुत ही डेंजरस खतरनाक रेस्क्यू किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको रोना भी आ जाएगा, तो आइए मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा, तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है और इसको देखने के बाद आपको कहीं रोना भी ना पड़ जाए। तो दोस्तों एक लड़के को सांप काट लेता है, 16 साल के लड़के को उसकी हो जाती है मौत। तो दोस्तों वो समय से हॉस्पिटल पहुंच जाता है लेकिन दवा नहीं हो पाती है, इसकी वजह से उसकी हो जाती है मौत। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा बहुत ही खतरनाक ये घटना है, तो आइए दिखाते हैं। और इनके परिवार किस तरह से घर में रह रहे थे। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा अचानक किसी को भी सांप काट लेता है तो आप सीधे हॉस्पिटल जाइए, जहाँ एंटीवायनम दवा आपको मिल सकती है वहीं पर जाना है, ना कि अन्य हॉस्पिटल पे। तो आइए मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ इस वीडियो में, बहुत ही दर्दनाक वीडियो है ये, तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं। दोस्तों यही वो बच्चा था। दोस्तों ये माँ जी हैं और ये पिताजी। थोड़ा सा साइड हो जाए, थोड़ा साइड होइए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से आपका दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आप लोग तो अच्छे होंगे लेकिन हम अच्छे नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा काम है उस काम से थोड़ा मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आए दिन सांपों की घटनाएँ होती रहती हैं और लोग दोस्तों कहीं कहीं पर तो बच जाते हैं जागरूकता होने की वजह से। यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर हम आए हैं एक सांप बैठ गया था, एक 15-16 साल का बच्चा था और वही घर का दीप था और वो बच नहीं पाया। कल रात की घटना है, यहाँ पर हम लोग आए हैं, सांप दोस्तों शायद घर के अंदर हो, सांप जो है पीठ में बाइट कर लिया था, पीठ के पीछे। चलिए दोस्तों उनसे एक बार हम आपसे रूबरू करवाते हैं जिन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया है। आइए, यहाँ अपना नाम पता एक बार बता दीजिए। मेरा नाम आकाश सिंह है, ग्राम चिल्लूपुर, पोस्ट दरियापुर, नेवादा, जिला आजमगढ़। दोस्तों ये पवन सरजमी है आजमगढ़, और यहाँ पर आजमगढ़ के लोग सब अच्छे हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम, मुरली वाले हौसला का। चलते हैं दोस्तों निकाल के दिखाते हैं। थोड़ा सा दोस्तों इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए, क्योंकि आए दिन सांपों से जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसे रोकने के लिए हमारा एक प्रयास है, और अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमारा जो प्रयास है वो आगे भी रहेगा। इंसानों को सांपों से और सांपों को इंसानों से बचाने की एक प्रक्रिया है जिसमें आपका सहयोग चाहिए। चलिए सर एक बार हम उसे ढूंढते हैं। अच्छा होगा तो इसी में, निकला तो नहीं होगा, मतलब ये इसके पीछे की सीन हो गई, इधर तो नहीं आया होगा क्योंकि बारिश का महीना है। तो ये जो गोहरा है ना सर, इसी में देखा गया है। अच्छा, और दो सांप हैं। दो हैं, दो हैं। चलिए हम लोग तो जर्रा जर्रा ढूंढेंगे। अच्छा इनके पास यही सारी व्यवस्था है, बस इतनी ही व्यवस्था है, और इतना कष्ट है। हम तो उसको लेके गए थे लालगंज, उठा के हम ही लेके गए थे। अच्छा, अच्छा। और लास्ट तक उसका एक ही वर्ड था कि चाचा हमको बचा लीजिए। सोचिए कि 17 मिनट में बाइक से लेके हॉस्पिटल पहुंचा हूं, और डॉक्टर वहां देखा तो बोला ऐसा सर किसी को काटता नहीं है, जो इस पोजीशन पे काटा है पीछे। हाँ, पीछे एकदम गर्दन पीछे। हाँ, हाँ। तो बोला कि ठीक है पहले डोज हम लगाते हैं, 5% उसको डोज लगा दवा का, लेकिन असर नहीं किया। फिर बोले कि जाके 10 ml का वो सिरिंज लेके आए। फिर हम दौड़ के बाहर गए, 10 ml का सिरिंज लाए, उसके बाद 5 ml और दिए, लेकिन तब तक तो उनके पास इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं, पट्टी की। ये कौन सा हॉस्पिटल था? ये लालगंज हॉस्पिटल है, CHC। अच्छा, CHC है। तो दोस्तों वहाँ पर इंजेक्शन की व्यवस्थाएं नहीं थी, ना पंखा ना कुछ, बहुत सारी लापरवाहियां थी वहां पर, हो सकता है उसकी वजह से। 15-20 मिनट के बाद इसको निकालते हैं इधर से, इसके बाद शुरू कर देते हैं। ये बना है क्या, ये उपली बहुत पुरानी रखी हुई है। ये सब काट के निकाल दो, आराम आराम से ये निकाल दो। ये सब दरवाजा यहाँ से था। चलिए जो भी है देखते हैं। अच्छा यही दरवाजा था, और जैसे ही यहाँ वो हल्ला है ऐसी दुर्घटना, यही एक गलती हो गई ना, इसके अंदर जो उपली रखी हुई थी यही दुर्घटना हुई। बता तो रहे हैं आपके, इनके पिताजी दो भाई, एक भाई का सामने अभी घर बना है और इसके हिस्से में बस यही, इसी में दोनों बच्चों को रखना, खाना पीना। ये मड़ई देखिए, खाना वाली, इसमें बेचारी खाना बनाती है। ये जो सामने मड़ई आपको दिख रहा, बताइए इसमें क्या खाना बनाया गया? जो बच्चा हमारा ठेला में सो रहा था, इसी ठेला पे बच्चा सोता था, बारिश ठंडी गर्मी, ये देखिए थैली बांध के इसी में सोता था। बहुत दर्द की बात है, कोई जगह रख देना बोर वाले को, हल्का हल्का बोर है। हाँ थोड़ा थोड़ा भी है ना, और पीछे हो जाइए, किनारे रखवा दीजिए इसको। बताइए, जिंदगी एक जो चीज होती है ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसे साफ साफ,
दोस्तों एक इंसान होता है जो अपने रहन सहन के लिए व्यवस्थाएं बनाता है। एक छोटी सी चूक होने की वजह से आज एक 16 साल का किशोर था और उसके माता पिता का यही रहन सहन है, यही सब कुछ है। और दोस्तों कोई उसके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, सब कुछ यही था। एक दिन दोस्तों दुनिया से सब कोई चला जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जाए तो दोस्तों लाइन से जाए। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं जहाँ पर ये उपली रखी जाती है उसके अंदर अक्सर सांप आकर के बैठते हैं। सांप को कौन देखा था? ऊपर चढ़ रहे थे। हेलो भाई, इसको बना दीजिएगा थोड़ा, ऐसे मत छोड़िएगा, इसको बराबर कर दीजिए। आप उनके पिताजी के कितने बच्चे हैं आपके? अच्छा, आपके पास रहने के लिए यही व्यवस्था है? बस यही हमें बरसात यही। तो जहाँ आपका ये पूरा छप्पर ही तो डैमेज हो गया, अब आप इसमें कैसे क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? प्लास्टिक की पन्नी या छप्पर? तो अच्छा, इसमें जैसे फील्ड लगती है इतना ज़्यादा, तो क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा हौसला है इनकी मदद करने लायक? जैसे आप लोग भीड़ लगाए तो कुछ आप बताइए, इनके लायक कोई काम कर सकते हैं कि बस सिर्फ देख सकते हैं? नहीं, का जो मदद से, अरे हम लोगों से जो बन पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, भीड़ से कोई मतलब है नहीं। भीड़ रहे तो ऐसे काम भी हो, दूसरे की हेल्प करना चाहिए, बाकी इस दुनिया में कोई बच के जाएगा नहीं, आज नहीं तो कल परसों सब लोग चले जाएंगे। विपत्ति जो होती है वो बता के नहीं आती है, ये चीज़ है। तो दोस्तों ये है इनकी मुफलिसी, और आप समझ सकते हैं गरीबी जो होती है बहुत ही कष्टदायी चीज़ होती है, बहुत दुख देती है। चलिए मैं इनका एक छोटा सा हेल्प करता हूँ। और सांप के काटने से दोस्तों एक 16 साल का बच्चा था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। इनके पास ना तो कॉलोनी है और ना ही रहने के लिए घर है और ना ही कोई ज़मीन है। ये कौन सा गांव है? ये चिल्लूपुर में। ये थाना कौन सा पड़ता है? जिला आजमगढ़, तहसील लालगंज। तो दोस्तों ये है इनकी परिस्थिति, और सांप काटा हुआ था पीछे पीठ में, है ना जी। हॉस्पिटल पहुँचे वहाँ चांस नहीं था, हॉस्पिटल की भी दोस्तों थोड़ी स्थिति जो थी वो थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो चलिए दोस्तों इनकी मैं एक छोटी सी हेल्प करता हूँ, और लोगों से अपील भी करता हूँ, इनके पास जो रहने की व्यवस्थाएं नहीं है आप लोग मिलकर के जो भी हो इनके। सही भैया जी, हम बहुत बड़े आदमी तो नहीं हैं, ये आप ले लीजिए हमारी तरफ से, ये बहुत पैसा तो नहीं होता, लेकिन जो है इससे आप अपना छप्पर और जो भी प्लास्टिक की पन्नी हो जाएगा बनवा दीजिएगा।
आप लोग भी अगर जो भी अगर आप लोग इनका हेल्प कर देंगे बड़ी कृपा कर देंगे, समझ लीजिए आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। नहीं सर करेंगे। 10,000 रुपये सर। दोस्तों जो भी है अपने पास, दोस्तों इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिएगा और शाम के समय अपने घर में थोड़ी साफ सफाई रखिए, क्योंकि इसमें गर्मी का दौर है और बारिश के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सांपों का निकलना लाजमी रहता है। तो ऐसे में ये चूहा पकड़ने के चक्कर में भोजन की तलाश में आते हैं और चूहा समझ करके काट लेते हैं। दोस्तों काफ़ी जद्दोजहद हुआ, ये पूरी JCB आई, उसकी पूरी खुदाई भी हुई, लेकिन सांप नहीं मिला, जबकि लोग उसको देखे भी थे कि दो सांप थे, लेकिन फिर भी दोस्तों हम उस पर नज़रें बनाए हैं, आज नहीं तो कल वो सांप मिलेगा ज़रूर। शाम के समय दोस्तों रात के अंधेरे में कहीं भी कदम रखिए तो उजाले में रखिए, क्योंकि उसको निशाचर कहते हैं। काल बन करके दोस्तों जैसे ही पैरों से दबता है वो नुकसान पहुँचा सकता है, वो तो बेजुबान है, उसे मालूम नहीं कि मुझे कौन है बचाने वाला और कौन है मुझे मारने वाला। हमारी तरफ से कोई त्रुटियाँ हुई हो तो भैया मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए अब तो जो होना था हो गया, वैसे तो मालिक के हाथ में है सब कुछ, मगर उनकी मर्जी से तो पत्ता नहीं हिलता। अगर हम लोगों के हाथ में होता तो ऐसा होता क्या? ऐसा होने देते हम लोग? आप माता जी हैं उनकी? दोस्तों ये माँ जी हैं और ये पिताजी। थोड़ा सा साइड हो जाए, थोड़ा साइड हो जाए। दोस्तों यही वो बच्चा था, पोस्टमार्टम कराए हैं जी। जी पोस्टमार्टम हो गया है, जो भी वो भी मिलेगा। DM साहब से बात भी हो गई है, एक हफ्ते में बोले हैं कि इसको मदद हो जाएगी, तो दीवार लगा के थोड़ा ईंटा उटा मांगा के पतरा जैसा सिस्टम। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारी टीम को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे मुरली वाले हौसला फाउंडेशन को। आगे जैसे आप लोगों की इच्छा रहेगी कमेंट करके बताइएगा, इनकी हेल्प करने के लिए मैं दोबारा आ सकता हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में सुनना है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ दिखाया। तो दोस्तों मैं फिर भी कहना चाहूँगा, जहाँ भी रहें आप साफ सफाई से रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों बहुत ही कष्टदायक यह वीडियो है, तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा किस तरह से लड़की का मौत हो जाती है और हॉस्पिटल पहुँचने पर भी इनका इलाज नहीं हो पाता है वहाँ की लापरवाही की वजह से। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया और बता दिया भी। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना, बेल घंटी को जरूर दबाएगा दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।